नमस्ते स्टूडेंट, मैं बीस उपाध्याय विजुअल फेड कम्युनिकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। यानी आपने स्टूडेंट देखा कि जीएसआरसीएम क्या होता है, इसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसे जब जीएसटी लागू किया गया था, जिसको सन 2018 में सरकार ने इसको परमानेंट इशू, मतलब इसको लागू कर दिया गया कि किसी भी अनरजिस्टर्ड से अगर आप माल खरीदते हो और उसके बिल की वैल्यू अगर 5,000 रुपए के ऊपर है, या सर्विस हो या गुड्स की वैल्यू जो भी खरीद रहे हो अगर 5,000 रुपए से ऊपर है, तो रेगुलर डीलर उसका टैक्स का भुगतान अपने पास से करेगा और उस पे रेगुलर डीलर को आईटीसी क्लेम मिलेगा। तो स्टूडेंट आज हम जानेंगे कि आरसीएम की जनरल एंट्री टैली प्राइम में करने का सही तरीका क्या है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द आरसीएम, यानी आरसीएम की एंट्री टैली पे करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द आरसीएम, यानी आरसीएम क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आज जानेंगे इस आरसीएम ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रैक्टिकल जनरल एंट्री टैली प्राइम में करने का सही तरीका क्या होता है। तो ये आपके सामने है, इसको एक छोटा सा क्वेश्चन है, एंड रिवर्स चार्ज क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको समझाया था। करेंट वीडियो में आज रिवर्स चार्ज का प्रैक्टिकल एंट्री समझाया जा रहा है। इसमें आपने देखिए कि स्टूडेंट एंड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4/21 को गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, यानी खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से जो माल आप खरीद रहे हैं, एंड इंट्रा स्टेट अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी खन्ना इलेक्ट्रॉनिक एक अनरजिस्टर्ड डीलर है जिससे गुड्स की परचेजिंग की जा रही है। क्या परचेज कर रहे हैं स्टूडेंट, सैमसंग मोबाइल 10 पीसेस एट द रेट 5,000 का माल लिया आपने, जिसकी जिसपे GST 5% है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड है, जिसके बिल में हमारे पास जो बिल आएगा उसमें GST शो नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट इस क्वेश्चन की इसकी जो जनरल एंट्री है नीचे आपको दिखाया गया है, इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे आप सैमसंग मोबाइल DR2 खन्ना इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें नरेशन लिखा हुआ है बींग सैमसंग मोबाइल परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक विथ अनरजिस्टर्ड डीलर। तो स्टूडेंट इसकी एक कंप्यूटराइज एंट्री कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम पे आते हैं और मैं एक कंपनी बना रहा हूँ आरसीएम के नाम से मैं कंपनी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से कंपनी बन रहा है। ओके एंड इंटर, स्टेट आपका स्टूडेंट उसी तरह रहेगा जो स्टेट आप चूज करते हैं, इंटर करते जाएंगे और यहाँ डेट डाल देंगे स्टूडेंट 1/4/21 और उसको डेट बना के आप सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद आप इन्वेंट्री, आप जानते हैं भाई पहला ऑप्शन हमारा अकाउंटिंग वाली का कोई मतलब तो नहीं है, एंड यानी अकाउंटिंग मनी यहाँ पे अलाउ करना होगा, यानी उसके बाद आपका GST इन्वेंट्री जैसे जैसा वो सारा जैसे रहेगा, GST अलाउ करना आपको। एंड जो फर्म हमारा है ये एक रेगुलर डीलर मैं हूँ, और जो मैं रेगुलर डीलर हूँ, मेरा जो माल परचेसिंग हो रहा है वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो यहाँ पे आपने GST नंबर रेगुलर डीलर नंबर के डाल के सेव करा लेंगे स्टूडेंट। सेव कराने के बाद वापस आप फिर डेटा को पूरा कंप्लीट सेव कर लीजिए। हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करेगा वहाँ पे और मैं परचेज करूँगा। पहले परचेज करने के लिए F9 फंक्शन आप चूज़ करेंगे, इंटर एंड अल्ट्रा सी कर लीजिएगा। अल्ट्रा सी यानी किससे क्या माल खरीदना है, तो मुझे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक जो अनरजिस्टर्ड डीलर उसका लेजर बनाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, इंटर। ये सिंडिकेटर से माल इनसे खरीदा जा रहा है, ओके इंटर। और भी ये इंटर स्टेट है यानी लोकल ही डीलर हमारा ये है, एंड ये अनरजिस्टर्ड है, जहाँ पे चूज कर लेंगे आप अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट और सेव करा लेंगे ये सी। ये सारा इनवॉइस आप फिलअप कर लेंगे, स्पेस दबाएगा, अल्ट्रा सी से आप आइटम डायरेक्ट बना लीजिएगा। जैसे मैंने पहले बताया था आइटम का नाम है सैमसंग मोबाइल, आपको 10 पीस परचेज करना, यहाँ पे लीजिएगा सैमसंग मोबाइल, यहाँ पे लिया है स्टूडेंट, इंटर। यहाँ पे अंडर में आप सैमसंग कंपनी का नाम डाल सकते हैं जिस ब्रांड का माल आप ले रहे हैं, सैमसंग कंपनी प्राइमरी, एंड सेव करा लेगा स्टूडेंट। यहाँ कुछ नहीं कीजिएगा, अगर क्वांटिटी आपको चाहिए स्टॉक के थ्रू जस्ट यस करा लीजिएगा, एंड GST अगर यहाँ पे लगाना चाहते हैं कंपनी बाई प्रोडक्ट तो लगा सकते हैं, अभी छोड़ दीजिए आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा सी करेगा स्टूडेंट, PCS का लेजर बना लीजिएगा, एंड यहाँ देखिए ये जो हमारा सॉफ्टवेयर ये ओरिजिनल है, थोड़ा सा इसमें स्लो काम करता है, तो PCS देखिए थोड़ा सा अलाउ करने में समय ले रहा है। एंड
एंड देखिए काफ़ी स्लो हो रहा है, घबराइए मत, जैसे अलाउ करेगा हम आगे काम करना चालू करेंगे। और यहाँ पे जो कर्सर हमारा ब्लिंक नहीं कर रहा, पीसेस देखिए इंटर करेगा, और यहाँ फॉर्मल नेम डाल दीजिएगा, फिर इंटर करेगा, यूनिक रेट आपका पीसेस ही रहेगा, चूज कर लीजिएगा, नंबर एड्रेसमेंट प्लस टू लगा दीजिएगा, सेव करा लीजिएगा। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप यहाँ पे एप्लीकेबल करिएगा, देखिए यहाँ पे फिर स्लो जा रहा है, तो थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो चल रहा है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ काम करेंगे या आपका सिस्टम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा तेज काम करेगा, जिसमें लोड इस पर ज़्यादा है, एंड वॉस अलाउ करिएगा, इसको यस करिएगा। यस करने के बाद अभी ये सब बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, वापस नीचे आएगा, एंड यहाँ पे आप जो माल खरीद रहे हैं वो आपका टैक्स लग के आपके पास आ रहा है, लेकिन टैक्स शो नहीं किया जा सकता, लेकिन टैक्सेबल तो है ही उसमें। और इसके नीचे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा, लिखा है इज रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, यानी रिवर्स चार्ज क्या इस पे एप्लीकेबल होगा यानी नहीं, तो हमें यहाँ पे आइटम पे रिवर्स चार्ज के एप्लीकेबल का इस्तेमाल नहीं करना, आपको यहाँ पे इनको छोड़ दीजिएगा इसी तरह। कितना परसेंट माल है, 5% GST पे है, और इसको सेव करा लीजिएगा यहाँ पे। क्वांटिटी आप देख लीजिए वापस क्वेश्चन में जाके, आपको 10 पीस लेना, 1 पीस का नाम 5,000 रुपये, यहाँ पे 10 पीस स्टूडेंट डाल देंगे और 1 पीस का नाम 5,000 रुपये मेंशन कर लेंगे, एंटर एंटर एंटर, अल्ट्रा सी करिएगा स्टूडेंट, परचेज परचेज URD URD, ठीक है। अब यहाँ पे अब URD से परचेज कर रहे हैं, भैया रजिस्टर्ड डीलर है और 5% है, तो इस पर आप 5% लगा लीजिए, शो करने का सकता तो है नहीं फिलहाल, आपका यहाँ पे आप 5% लगा भी सकते हैं फिलहाल, यहाँ पे परचेज टैक्सेबल, एंड यहाँ पे जो चूज करेंगे परचेज के अकाउंट परचेज में जाता है, जैसे आपको पहले बताया गया, इंटर करेगा और इंटर करके नीचे आएगा, यहाँ GST अलाउ करना होगा आपको ध्यान से, और GST अलाउ करने पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब आप परचेज के लेजर बनाएंगे URD का, तो यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे आएंगे और ये जो डीलर है ये आपका अनरजिस्टर्ड है, तो इसका जो अभी तक हम लोग जो इंट्रा स्टेट के लिए खरीद रहे हैं वो परचेज टैक्सेबल था, अब हम जो इंटरेस्टेड ये भी है लेकिन ये अनरजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पे आप चूज करेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, एंड जो बिल आ रहा है उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, इसे टैक्सेबल चूज करना होगा, इंटर। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है, यस करेंगे, एंड इज ठीक है लाइबल फॉर द इनपुट क्रेडिट, भाई इनपुट क्रेडिट मिलेगा मुझे इस पर, इंटर, एंड 5% है इस पर आइटम पे, 5% लगा के उसको सेव करा लेगा, गुड्स एंड सेव, एंटर करेगा। और यहाँ पे आप GST आपको शो नहीं करना, क्योंकि जो बिल आएगा उसमें GST इंक्लूडेड रहेगा, तो हम यहाँ पे बिल बना के इसको सेव करा देते हैं स्टूडेंट, लेकिन अब यहाँ पे मैंने GST को जोड़ा भी नहीं है, अब यहाँ पे सेव कराने के बाद आप वापस आप बिल में जाकर चेक करेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे डे बुक खोलिएगा, बिल आपके सामने आएगा, तो देखिए मैंने इसमें एग्जाम्पल आपको बताएगा कि आप डिटेल लिखने के लिए कहाँ जाएंगे, आप कंट्रोल आई करेंगे, वहाँ पे GST टैक्सेबल एनालिसिस करेंगे, और डिटेल लिखने के लिए इस पे मतलब RCM में इंक्लूडेड है कि नहीं, तो ये सब यहाँ इस शॉर्टकट से RCM का रिपोर्ट देख सकते हैं। आप डे बुक खोल लेंगे, जैसे यहाँ देखिए डे बुक खुल रहा है, और डे बुक खुलने के बाद लेफ्ट साइड देखिए मोर डिटेल, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कंट्रोल आई, आप कंट्रोल आई करेंगे या माउस से मोर डिटेल पर क्लिक करिएगा, इंटर, और वहाँ पर स्टूडेंट आपको शो पे जाना है, किस पे जाना है, शो, तो यहाँ पे आप शो पे आपको मिलेगा GST टैक्स एनालिसिस पे इंटर करना है, तो आप शो पे इंटर करेंगे तो आपको GST टैक्स एनालिसिस मिल जाएगा, नीचे देखिए यहाँ पे GST टैक्स एनालिसिस है, इस पे इंटर मारेगा और ये आपके सामने एक प्रोफार्मा आएगा, उसके बाद डिटेल आपको लिखना है, फिर डिटेल लिखने के लिए क्या है, डिटेल्स फॉर अल्ट प्लस F1 करना, फिर यहाँ पे अल्ट प्लस F1 कीजिएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट ये परचेज टैक्सेबल अनरजिस्टर्ड है, आपका जो बिल है वो 25 जो टैक्सेबल बन रहा है 50,000 का है, 50,000 में 5% GST जो चार्जेबल हो रहा है वो 12,500 1250 आपको अपने पास से डायरेक्ट सरकार को जमा करना होगा, यानी जो परचेज पे आपको उल्टा टैक्स आपको भरना पड़ रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है, अब नीचे देखिए बॉटम में अमाउंट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, अगर आप प्रोसेस सही एंट्री पास करेंगे तो ये आपका परचेज में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हमें कहाँ जाना है, एक इसको हमारे देखिए वापस हम रिपोर्ट देखेंगे तो बैलेंस शीट में किसी भी प्रकार का रिपोर्ट शो नहीं करेगा, यहाँ इंटर करेगा और अल्ट्रा F1 यहाँ भी कर लीजिएगा। देखिए बैलेंस शीट में जो हमारी लाइबिलिटीज है यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज, इसमें किसी भी प्रकार की लाइबिलिटीज टैक्स की दिखाई नहीं दे रही है, तो इस टैक्स लाइबिलिटीज को पहले अपने बिल बुक में आपको लेना होगा स्टूडेंट, तो उसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपके स्क्रीन पर जो शॉर्टकट की है अल्ट जे करना होगा, अल्ट जे में जाके आपको GST को अलाउ करना होगा। तो वापस हम लोग चलते हैं, तो अब यहाँ पे वापस आप नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, अल्ट जो जो करना है स्टूडेंट वो जनरल वाउचर में करना है, यानी जनरल यानी F7 में, तो जैसे आप 7 करेंगे और वहाँ पे आपको अल्ट जे, देखिए शॉर्टकट आप ध्यान रखिएगा अल्ट जे है, तो आप अल्ट जे प्रेस करिएगा, ये अल्ट जे, देखिए जैसे अल्ट जे प्रेस करेंगे तो आपके सामने GST
का ये टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्सेस का लिस्ट आ जाएगा। अब वहां पे आपको चूज करना है किसको, जीएसटी। तो अब यहाँ पे जीएसटी पे एंटर मारेगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना है क्या कि हमें इंक्रीज करना है। यहाँ लिखा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज एंड परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, यानी आपको इसका टैक्स आपको इंक्रीज करना है अपने बिल बुक पे। तो आपको चूज करना है इंक्रीज, तो आप यहाँ लिखिए इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज आपको दिखाई दे रहा है, वो आप इंटर करेगा। और नीचे अंडर रजिस्टर परचेज रिवर्स चार्ज है, यानी यहाँ देख रहे हैं परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, यानी एंड इसको चूज करेगा एंटर। अब इसकी एंट्री करना है स्टूडेंट, तो आपकी एंट्री आपके सामने है, इसका एंट्री करना है। आरसीएम के नाम से लेजर बनाना है और सी जीएसटी या जीएसटी इसमें आपको इंक्लूडेड करना है। तो आप अल्ट्रा सी करेगा, आर सी एम के नाम से लेजर बनाया, आर सी एम, और इंटर करिएगा स्टूडेंट। ये करंट एसेट्स में जाएगा स्टूडेंट, करंट एसेट्स यहाँ चूज कर लीजिएगा, इसको सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट, सेव। सेव कराने के बाद अब कितना परसेंट जीएसटी है आपके सामने, जैसे वहाँ 2500 था वहाँ पे, तो 2500 आपको डेबिट में डाल देना है, आप 2500 रुपया डेबिट में डाल दीजिएगा, इंटर इंटर। और यहाँ पे जो आपको जी सी जी एस टी जैसे चार्ज करना होगा, तो अल्ट्रा सी से इम, यानी आप डायरेक्ट सी जी एस टी एट द रेट 2.5% इंटर एंड द टैक्स ड्यूटी इन टैक्सेस में इसको अलाउ करिएगा, एंड सी जी एस टी एंड सेंट्रल है एंड 2.5% अलाउ करिएगा एंड नॉर्मल एंड सेव। तो इसमें टोटल जीएसटी आपका चार्ज हो रहा है आपका 2500 रुपये, 2500, इसमें से 1250 रुपये आपका सी जी एस टी इसमें। फिर अल्ट्रा सी करेगा एंड द एस जी एस टी एट द रेट 2.5% ये डाल दीजिए इसमें, ड्यूटी इन टैक्सेस जीएसटी एंड स्टेट 2.5% नॉर्मल राउंडिंग एंड सेव। ये आपके सामने स्टूडेंट है, तो आपके सामने ये देखिए इसकी जनरल एंट्री हमने पास किया हुआ, आरसीएम अकाउंट डेबिट टू सी जी एस टी एस जी एस टी, ये आपका आपके बिल बुक में अब इंक्लूड हो जाएगा, नहीं आपके बैलेंस शीट में अब ये जीएसटी शो करेगा। तो आप इसको सेव करा लीजिएगा, सेव कराने के बाद स्टूडेंट आप चेक कर लीजिए अपने बैलेंस शीट में, बाहर आएगा बैलेंस शीट में जाएगा और यहाँ इंटर करेगा, अल्ट एफ वन करेगा, तो आपको दिखेगा, देखिए सुनिए यहाँ पे अब ड्यूटी एंड टैक्सेस आपके बिल बुक में आ चुका है 2500। ये पहले आपको पेमेंट करना होगा सरकार को, तो सरकार को पेमेंट करने के लिए अगला प्रोसेस है, आप जीएसटी आरसीएम पेड टू गवर्नमेंट आपको पेमेंट करना है। वापस हम लोग बाहर आते हैं स्टूडेंट और अकाउंटिंग बॉक्स में जाते हैं, F5 करते हैं, और F5 करने पे मुझे भाई चेक से पेमेंट करें, एक चेक कर लीजिए, हम बना लीजिए स्टूडेंट चेक, यानी बैंक लेजर जिस बैंक से आप जीएसटी जमा करते हैं, एंड बैंक हेड बैंक में डाल लीजिए, सेव करा लीजिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें जो जमा करना है, यानी जो टैक्स हमें पे करना है, वो एस जी एस टी एंड है कितना है 1250 रुपये, एंड सी जी एस टी 1250, ये स्टूडेंट आप डाल दीजिएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड जैसे आप यहाँ इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना करेंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, इस पर आपको ध्यान देना होगा, एंड 1250 से टोटल, देखिए यहाँ पे फिगर आप ध्यान देंगे 1250 टोटल, देखिए दोनों बैलेंस आपका जीरो दिखा रहा है, पेमेंट में दिखा रहा है करंट बैलेंस में 2500, रेट में दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास कैश था नहीं बैंक में, वैसा था नहीं इसलिए माइनस में दिखा रहा है, कोई बात नहीं सेव करा लीजिएगा, सेव एंड सेव। अब देखिए आपके बैलेंस शीट से जीएसटी सरकार को जमा हो चुका है, वापस आप बैलेंस शीट में जाकर चेक करिएगा स्टूडेंट, बैलेंस शीट में गए इंटर करिएगा और अल्ट्रा फोन करिएगा, तो यहाँ पर देखिए अब आपका करंट लाइबिलिटीज जीरो हो गया है, ये आपका राइट साइड करंट एसेट्स में शो करेगा जो आपने सरकार को जमा किया 2500 रुपये। अब इसको आपको आईटीसी क्लेम लेना है स्टूडेंट, कि इसका जो रिफंड करना है सरकार से आपको, इसको रिफंड इसका आईटीसी क्लेम करके ये आपको जो टैक्स आपने जमा किया इसको वापस आपको लेना है। वापस लेने के लिए आपको वापस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक आईटीसी क्लेम की जनरल एंट्री पास करनी होगी, वो आईटीसी क्लेम है और प्रोसेस आपको वही रहेगा। तो हम चलते हैं स्टूडेंट, वापस आते हैं एंड वाउचर एंट्री में F7 करते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए, एंड जनरल एंट्री F7 करेंगे, F7 में आपको आईटीसी क्लेम करना है, आईटीसी क्लेम के लिए अल्ट जी करना, अल्ट जी, तो यहाँ पे अल्ट जी करेंगे जीएसटी। अब वहाँ पे आईटीसी क्लेम के लिए लिख रहा हुआ है कि इंक्रीज आप इनपुट टैक्स रेट, आपको इंक्रीज करना है अपने बिल बुक में, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट इंक्रीज लिखा है ना, इंक्रीज आप इनपुट टैक्स रेट, ये आपका रिफंडेबल के लिए होता है, यानी आपके अकाउंट में ये पैसा रिफंड हो जाएगा। और यहाँ पे परचेज अंडर रिवर्स चार्ज एंटर करेंगे, और जो आपने इंक्रीज किया था इसका अपोजिट जो एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट, ये पास करेंगे, सी जी एस टी जी एस टी को डेबिट करेंगे, आरसीएम को क्रेडिट कर देंगे आप, तो आप सी जी एस टी को डेबिट कर दीजिए 1250 रुपये, 1250, एंड एस जी एस टी 1250 टू आरसीएम,
ये रिफंड की एंट्री है आईटीसी क्लेम की, एंटर करेंगे एंड सेव। अब ये जो रिपोर्ट है ये आपके बैलेंस शीट में माइनस में आ जाएगा, यानी आप अगर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटीज बनेगी वो इसमें सब घट जाएगी। स्टूडेंट बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट्राफोन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा ना ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो ये माइनस में दिख रहा है, यानी अब आपकी ये लाइबिलिटीज सरकार टैली में वापस आपका रिफंड कर दिया है। अब जब जीएसटी आप पोर्टल पे जमा करेंगे 3B को, 3B में आपका आईटीसी क्लेम 2500 दिखाएगा, उसको चेक करना है तो आप जाके डिस्प्ले में इंटर करेंगे और वहां पे आपको जीएसटी रिपोर्ट पे इंटर करेगा और जीएसटी रिपोर्ट पे 3B मिलेगा, इंटर मारेगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो नंबर दर्ज किया है एलिजिबल आईटीसी 1250, 1250 है टोटल 2500 रुपये का आईटीसी क्लेम एलिजिबल हो चुका है। तो यही स्टूडेंट है आरसीएम का एंट्री टैली प्राइम में करने का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि आरसीएम क्या होता है और आरसीएम की जनरल एंट्री कैसे करनी चाहिए। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो अकाउंट्स लाइन में काम कर रहे हैं या काम करना चाहती हैं। और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट्स किया कीजिए, जिससे रिलेटेड हम उसका और सुधार करके और आपसे रिलेटेड और भी वीडियो में एक नया वीडियो आपके लिए बना सके। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।